गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब कैसे हैं? घर में सुरक्षित हैं? देखिए, हमने आपको चैप्टर 13 पार्ट 13 कंप्लीट कर दिए। आज हम चैप्टर 14 हमारे चाचा नेहरू पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? हमारे चाचा नेहरू, है ना। चाचा नेहरू को क्या पसंद थे? गुलाब, है ना बच्चों। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। प्रारंभिक, प्रारंभिक का मतलब शुरुआत की सबसे पहले जो शुरुआत होती है, शुरुआत की जो होती है जो सबसे पहले, इसको शुरुआत की भी कहते हैं और सबसे पहले भी कहते हैं। सम्मान, सम्मान का अर्थ होता है आदर। और विश्व यानी संसार। और इतिहास यानी बीता हुआ कल। शिक्षा यानी पढ़ाई। और स्वतंत्र यानी आज़ाद। स्वतंत्र यानी बच्चों आज़ाद। अब देखो, हमारी चाचा नेहरू जो थे, है ना, चाचा नेहरू बच्चों को बहुत पसंद थे। बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्यार करते थे बच्चों। तो देखो, चाचा नेहरू का जन्म कब हुआ था? चाचा नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था। ठीक है बच्चों, 14 नवंबर 1889 में इनका जन्म हुआ था, चाचा नेहरू जी का। इनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू था। क्या नाम था बच्चों इनका पिता का? नाम पंडित मोतीलाल नेहरू। बच्चों आपको पता है, हम 14 नवंबर मनाते हैं बाल दिवस के रूप में, क्योंकि इन्हें बच्चे बहुत पसंद थे और बच्चे भी उन्हें चाचा चाचा कहकर पुकारते थे। इसलिए जो है 14 नवंबर जब भी आता है हर साल, तो जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर जगह मेले लगते हैं, है ना, बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो इस प्रकार जो है चाचा नेहरू जो है, इनका जन्म जो है 14 नवंबर 1889 में हुआ था और इनके पिता का नाम जो है पंडित मोतीलाल नेहरू था। बच्चों इनका जन्म जो है वो इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, है ना। और जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो घर पर ही हुई थी। जो हम प्रारंभिक, जो सबसे पहले की शिक्षा होती है ना बच्चों, शुरुआत जो शिक्षा होती है वो इनकी घर पर ही हुई थी, है ना। वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए। कहाँ गए बच्चों? उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए, ठीक है। वहाँ वे बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। बैरिस्टर, वकील बनकर वो क्या, कहाँ लौटे? भारत लौटे। और अपने पिताजी के साथ इलाहाबाद में ही वकालत करने लगे। यानी इनका जन्म 14 नवंबर को हुआ इलाहाबाद में, और इनकी शिक्षा जो प्रारंभिक की, जो सबसे शुरू की शिक्षा होती है पहले की, वो इनकी घर पे ही हुई थी। और जो उच्च शिक्षा के लिए वो इंग्लैंड गए थे, और इंग्लैंड से क्या बनकर आए? बैरिस्टर, अर्थात वकील बनकर भारत लौटे और अपने पिता के साथ ही ये इलाहाबाद में ही वकालत करने लगे, ठीक है बच्चों। सन 1915 में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। सन 1916 में इनका विवाह श्रीमती कमला नेहरू, इनकी पति का नाम क्या था? श्रीमती कमला नेहरू। यानी इनका विवाह कब हुआ? 1916 में। 1915 में तो उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया, और 1916 में इनका विवाह जो है श्रीमती कमला नेहरू से हुआ। और 1917 में उनकी पुत्री इंदिरा का जन्म हुआ। इंदिरा गांधी जिसे हम कहते हैं, वो जो है हमारे चाचा नेहरू जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। और जो है सन 1917 में उनका जन्म हुआ, पुत्री इंदिरा का जन्म हुआ। कुछ दिन पश्चात वे कांग्रेस के सदस्य बन गए। बच्चों चाचा नेहरू जो नेहरू जी थे, वो जो है कुछ समय बाद वे कांग्रेस के क्या बन गए? सदस्य बन गए। और फिर महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश की सेवा करने लगे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही ये देश की क्या करने लगे बच्चों? सेवा करने लगे। देश के लिए बच्चों इनको कई बार जेल जाना पड़ा। देश की खातिर, देश को आज़ाद कराने के लिए इनको बच्चों कई बार जेल में जाना पड़ा। 15 अगस्त सन 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। तब से वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
तब से जब हमारा देश आजाद हुआ बच्चों 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, ठीक है बच्चों, और जीवन के अंत तक इसी पद पर बने रहे। उन्होंने देश में जाति भेद को दूर करने के लिए कई कानून बनाए कि ये जो जाति पाति है ये कुछ नहीं होता, सब समान होते हैं। इस कारण जो है इन्होंने जाति पाति को दूर करने के लिए कई कानून बनवाए। इसी जाति की उन्नति में उनका बड़ा हाथ रहा है। देश में शिक्षा प्रसार के उपाय किए। उन्होंने देश की आर्थिक उन्नति के लिए पंचवर्षीय योजनाएँ बनाई। क्या बनाई बच्चों? पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। देश की आर्थिक उन्नति के लिए उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनवाई। उन्होंने कहा कि हमारे देश का कैसे बहुत अच्छे से काम चले, तो उन्होंने एक जो है ऐसी योजनाएं बनाई जो भाई एक साल में पूरी करनी है, फिर दूसरे साल, तीसरी, ऐसे करके उन्होंने 5 वर्ष की योजनाएँ बनाई जिसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो है नेहरू जी के प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण भारत को संसार में पूर्ण सम्मान प्राप्त हुआ। यानी पूरे संसार में जब भारत को संसार में पूर्ण सम्मान प्राप्त हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री जो है कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा वर्क किया है, कितना अच्छा कार्य किया है, तो इस प्रकार जो हमको भारत को सम्मान प्राप्त हुआ बच्चों। युद्ध के कगार पर बैठे विश्व को उन्होंने शांति का मार्ग दिखाया। युद्ध होने वाला था, उन्होंने लोगों को शांति का मार्ग दिखाया। इसलिए विश्व में नेहरू जी को शांति का दूत भी कहा जाता है। काय का दूत कहा जाता है? शांति का दूत। और कबूतर को काय का दूत कहा जाता है? शांति का। तो नेहरू जी को भी शांति का दूत कहते हैं क्योंकि जहाँ लड़ाई झगड़ा होता था, युद्ध होता था, वहाँ सब लोगों में शांति बनाते थे, तो इसलिए इनको शांति का दूत भी कहा जाता है। बच्चों नेहरू जी एक अच्छे लेखक भी थे, है ना। मेरी कहानी, भारत एक खोज, विश्व इतिहास की झलक आदि उनके द्वारा रचित पुस्तकें। यानी उन्होंने जो है क्या किया, तो वो एक अच्छे, बहुत अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने मेरी कहानी, भारत के खोज, विश्व इतिहास की झलक आदि अनेक प्रकार की पुस्तकों की रचना की। पंडित नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे और बच्चे भी उन्हें बहुत प्यार करते थे, और बच्चों ने क्या कहते थे? चाचा नेहरू। इसलिए वो बच्चों ने आदर प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। उनका जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों जब आप भी स्कूल आते थे तब बाल दिवस मनाया जाता था, है ना, कितना अच्छा लगता था। अब जब भी कोरोना ख़त्म होगा, हम सब बच्चे स्कूल में आएंगे, तब फिर बहुत अच्छे अच्छे जो है कार्य करेंगे, है ना, बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, आएंगे स्कूल में, और जो है खेल कूद और बाल दिवस भी मनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों को बहुत पसंद थे और जो है वो बच्चे भी उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे और उनका जन्मदिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह बच्चों शांति के दूत 27 मई 1964 को हम सबसे सदा के लिए विदा हो गए। उनका जो है 27 मई 1964 को देहांत हो गया और वो हम सबको छोड़कर चले गए। तो इस प्रकार हमारे महान पंडित नेहरू जी थे जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने देश के लिए इतना अच्छा कार्य किया, जो शांति के दूत थे और जो एक लेखक भी थे, है ना, और जो है वो हमेशा बहुत अच्छे कार्य किए। उन्होंने भारत के लिए, उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा, ऐसे थे हमारे महान चाचा नेहरू, ठीक है बच्चों। तो आप देखो एक बार दोबारा देखेंगे कि उनका जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ। उनके पिता का नाम पंडित नेहरू था और जो है इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। उसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए और वहाँ से वो बैरिस्टर अर्थात वकील बनकर आए। और फिर उन्होंने जो है और उनका जो है बच्चों उन्होंने फिर 1915 में राजनीति में प्रवेश किया। 1916 में उनका विवाह श्रीमती कमला नेहरू से हुआ
और 1917 में उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया, यानी उनकी एक पुत्री हुई, उसका नाम था इंदिरा और बाद में इंदिरा गांधी के नाम से प्रसिद्धि। ठीक है बच्चों, उसके बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में उनको कई बार जेल जाना पड़ा। वो हमेशा शांति से काम करते थे, वो कहते थे कि शांति बनाए रखो, है ना, वो युद्ध नहीं चाहते थे, हमेशा शांति बनाते थे, इसलिए उनको शांति का दूत भी कहा जाता है बच्चों, है ना। और उसके बाद जो है सन 27 मई यानी 27 मई 1964 को वो सदा के लिए हमसे अलग हो गए, विदा हो गए। ठीक है, तो ऐसे महान प्रधानमंत्री हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है बच्चों, अब आप इसके शब्दार्थ करना और मैं आपको इसका इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। तो आप शब्दार्थ करना, और बच्चों अब जो आपके 14 चैप्टर हो गए हैं इसके बाद जो है मैं आपके एक बार फिर सारे चैप्टर को दोबारा से रिवाइज कर दूंगी, क्योंकि फिर आपका अभी आपका टेस्ट हुआ था, उसके बाद फिर आपका हर मंथ में टेस्ट होता जाएगा, तो आपका दोबारा टेस्ट होगा, इसके लिए मैं आपको वापस बताऊंगी कि आपके कितने लेक्चर कितने चैप्टर आएंगे। ठीक है, तो आप ये अच्छा सा पढ़ना और ये शब्दार्थ कॉपी में लिखना और लर्न भी करा करो, है ना, और जो है काम करके जो है स्कूल में कॉपी सबमिट कराओ। ओके बेटा, थैंक यू, खुश रहिए और हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए। ओके।